कहिएगा, मोदी जी का भाषण सुने हैं गुजरात में? हम नहीं सुने हैं, मोदी जी का भाषण हम सुनते ही नहीं है। देखिए, क्योंकि देश को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो मोदी जी का भाषण बर्बाद कर रहा है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे घर में भी एक भाजपाई बैठा हुआ है जिसका नाम है टीवी। टीवी जैसे ही खोलिएगा, कुछ भाजपा के पत्रकार लोग हैं, वो मोदी 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 करना शुरू कर देंगे। नहीं तो मोदी जी का कहीं अगर रैली हो रहा है तो मोदी जी का ही भाषण चलेगा टीवी पे, और उस भाषण को अगर आप देखिएगा तो मोदी जी न महंगाई पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे बात करेंगे, न भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, न इलेक्टोरल बोल्ट के घोटाले पर बात करेंगे, न महिलाओं के शोषण पे बात करेंगे, न दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों के शोषण पे बात करेंगे। मोदी जी बात क्या करेंगे? पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू, मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद, 370, 3 तलाक, ये सब मुद्दा है। आपको हम प्रधानमंत्री क्यों चुने थे? देश से महंगाई खत्म करने के लिए, देश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए, लेकिन आप मंदिर मस्जिद किए जा रहे हैं। तो मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद बने ना बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहे, देश की जनता भाड़ में जाए, आपन सत्ता बनी रहे। मोदी जी बस यही जानते हैं। मोदी जी कहते 15 लाख रुपया, जब वो खाता खुलवा रहे थे ना मैडम, तो हमको लगा कि कम से कम 1500 रुपया से वो सबसे पहले मेरे खाता में बोहनी करेंगे, लेकिन वो 1500 रुपया से वो बोहनी भी नहीं किए।